वर्ड के सुपर हीरोज कौन है दीज आर दीपल हु हैव चेंज देअर ओन लाइफ या इन्होंने किसी और की जिंदगी बदली है ंग वर्ड प्रेस एज ए टूल बट जैसा हमने आपको पहले बताया कि सिर्फ टूल को यूज करना समझना परखना ही जरूरी नहीं है इसको ज्यादा जरूरी है इसको अंडरस्टैंड करना कि आप वर्ड प्रेस से कैसे अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं और कैसे अपने इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं इसी तरह के कुछ अमेजिंग लोग अमेजिंग ह्यूम फेबलस पीपल आई हैव हैड द प्लेजर टू नो क्योंकि इन्होंने इस टूल को यूज करते हुए अपनी जिंदगी को भी बदला और साथ साथ सोसाइटी को बड़े ही अमेजिंग तरीकों से चेंज किया इसी तरह के एक सुपरस्टार आज हमारे साथ हैं उस्मान लतीफ उमान हैड द प्लेजर टू नो उस्मान फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम उस्मान रन माकॉम वर्क एट द सेम टाइम्स ही ऑल्सो रन डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान एंड ही ऑल्सो टीचे कॉन्टेंट मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एट लम्स लेकिन इससे पहले कि मैं उस्मान के पास जाऊं और ज्यादा इनसे क्वेश्चंस पूछूं मैं आपसे दोबारा एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपना ऑब्जेक्टिव सामने रखा है मैं आपसे बार बार ऑब्जेक्टिव के बारे में इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज व्हाट विल मेक यू सक्सेसफुल अगर आपको याद हो जो, जो मैंने आपको शुरू में पूछा था एक क्वेश्चन कि वो क्या चीज है जो दुनिया के तमाम सक्सेसफुल लोगों में कॉमन है वो उनका खाना नहीं है वो उनका लिबास नहीं है वो उनकी गाड़ी नहीं है वो है गोल या ऑब्जेक्टिव अ कॉमन गोल अ कॉमन ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी बदली एन इसी तरह हम उस्मान से स्टार्ट करेंगे पूछते हुए कि इन्होंने अपनी जिंदगी कैसे बदली और इनकी स्टोरी क्या है थैंक यू साहब जैसे कि आपने बात की कि मेरी स्टोरी जो है बेसिकली व्हेन आई फर्स्ट गॉट टू नो अबाउट इंटरनेट आई वेंट टू इंटरनेट कैफ़े इट वाज बैक इन लाइक टू थाउजेंड थ्री और मुझे दोस्त ने बताया कि याहू कुछ होता है और उस पर ई अकाउंट बनता है और मैंने पूरे फोर्टी फाइव मिनट्स लगाए उस उस पर ई अकाउंट बनाने पर और यहाँ तक उसमें सिर्फ चार फील्स थी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ई क्या रखना है और पासवर्ड क्या है और मैं लोगों से पूछता फिर रहा था कि पासवर्ड में क्या रखूँ सो दैट वाज द काइंड ऑफ यू नो नॉलेज आई हैड अबाउट द इंटरनेट बट उधर से इश्हार ये हुआ कि सम डे आई माइट हैव वन ऑफ माई ओन या हु ठीक है सो दैट वॉज़ माई प्राइमरी गोल कि किसी दिन ये किसी का तो होगा मतलब वो सवाल था कि किसका होगा उसके बाद जब लाइफ चलती गई करते करते मैं आ, बीए किया फिर मैंने मास्टर्स किया मास्टर्स मैंने किया मैस कम्युनिकेशन में जर्नलज्म का बड़ा दौर था उस वक्त तो जियो सिर्फ चैनल होता था पीटीवी के अलावा और सब ने कहा कि घुस जो बड़ा प्राइवेटाइज हो रहा है और सब मीडिया आ रहा है सो आई वेंट इन टू डिजिटल मीडिया सॉरी नॉट डिजिटल मीडिया बट मिनसल मीडिया और डिजिटल चूँकि मैं पहले से सीख रहा था मैं पढ़ रहा था याहू को पढ़ रहा था टेक टेक्न्च पढ़ रहा था वो सब चीज़ें मैं फॉलो कर रहा था तो हुआ ये कि जब मैंने अखबार ज्वाइन किया और जब मैं गया तो मुझे वो चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो नज़र नहीं आई सो तो हमने थ्यूरियाँ तो बहुत पढ़ी थी नॉम चॉम्स की ही और वो जो है ना किस तरह से वो फ्रेमिंग होती है सब कुछ होता है अखबार में हालात डिफरेंट थे वहाँ पर वो खबर वही है जो किसी को चुभती है जा ठीक है सो वो चीज़ जो मुझे लगता था कि ये थोड़ी सी एथिकल बाउंड्री से कभी बाहर भी हो जाती थी तो मुझे लगा कि मैं शायद अडेप्ट नहीं कर पाऊँगा लेकिन साथ ही जब मेरी चल रही थी ये डिजिटल की तो वर्ड का मुझे पता चला और वेबसाइट्स बनाने का मुझे शौक़ हुआ तो मैं वेबसाइट बना रहा था ब्लॉग्स बना रहा था लोगों को बना के दे रहा था खुद बनाता था बंद बन कर देता था बनाता था बंद बन कर देता था कभी किसी टॉपिक पे, कभी किसी टॉपिक पे तो एक्सपेरिमेंटिंग करता रहा और अल्टीमेटली मुझे ये लगा कि हम कुछ कर सकते हैं सो एडसेंस का अकाउंट भी था वो भी मैंने खुद ही जो है ना बनाया और उस पर थोड़ा बहुत अर्न भी किया लेकिन जब मैं अखबार में गया तो मैंने उस वक्त उनको मशवरा दिया एडिटर साहब को कि आप जितने पैसे कमा रहे हैं ना मैं अगर आपको आप आपने सिर्फ अखबार चलाने नहीं डिजिटल के ऊपर और मैं आपको इससे ज़्यादा पैसे कमा के दे सकता हूँ उन्होंने कहा बच्चा है पता नहीं क्या बातें कर रहा है उसको क्या पता है अखबार क्या होता है तो आई वज़ लाइक कि मैं आई वजथ्यूजियाटिक लेकिन उन्होंने मुझे कोई मौका नहीं दिया और उस वक्त अखबार जिस आज के अखबार की तरह नहीं होते थे उस वक्त अखबार अगर किसी का डिजिटल था ना तो वो आपको पता होगा वो ना इमेजेस लगते थे बकायदा जैसे मतलब एक् एक्चुअल प्रिंट पेपर होता है उसको प्रिंट डाल कर उसके इमेजेस लगते थे पूरे पूरे और इमेजेस वाइज जो गूगल नहीं पढ़ सकता था तो मुझे लगा कि मेरे लिए इट्स नॉट फॉर मी अल्टीमेटली फाइनेंशियल रीजंस की वजह से क्योंकि ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी तो मैंने कहा मैं स्विच करता हूँ मेरे दोस्त ने कहा कि जी आप आ दें आई में हम आपको सिखा लेंगे जब उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया तो मैंने कहा जाता ये तो मैं रोज़ करता हूँ उसमें यही चीज़ें थी कि कैसे वेबसाइट बनानी है कैसे वेबसाइट करनी है मैं कह तो मैं रोज़ करता हूँ कहते हैं स्मान इसको एस सी कहते हैं मैंने कहा अच्छा उसको एस कहते हैं कहते हैं जिसके पैसे भी मिलते हैं कि <laughs> like, यार इसके पैसे भी मिलते हैं तो मैं उस वक्त तरीबन इट्स लाइकेंड एट आई वॉज अर्निंग सिंगल हैंडली लाइक मोर देन फाइव थाउजेंड डॉलर्स उस वक्त जो मैं के दो चार प्रोजेक्ट्स में कर रहा था कंपनी में और मुझे सैलरी वो दे रहे थे तकरीबन पंद्रह हज़ार तो मैंने काफ़ी एक साल में सीखा लेकिन मुझे लगा कि वहाँ भी मेरी ग्रोथ रुक गई है और जिनको मैं वहाँ सिखा रहा था वो मुझे छोड़ के जाके मतलब इस कंपनी को छोड़ के जहाँ लगते थे वो पैंतीस हज़ार रुपये लगते थे और मेरी पंद्रह हज़ार थी तो मुझे फ़ोन करके कहते थे, थे उस्मान भाई आप किधर हैं आप आपने हमें सिखाया और हम क्या कर रहे हैं तो आप किधर बैठे हैं आप आ जाएँ तो मेरे मेरा कम्फर्ट जोन डेवलप हो गया था सी बड़ा अच्छा था वो काफ़ी मतलब के टर्म्स बन गए और मैं सोलह सोलह घंटे वहाँ पर अक्सर गुजार देता था कि मुझे कोई पूछता नहीं था कि भाई आप क्या कर रहे हैं उनको पता था कि जो भी कर रहा है ये सीख रहा है या ये काम करेगा सो so, मेरा वो लर्निंग और वो इंटरनेट चूँकि मेरे पास घर में इंटरनेट वो डायलप मॉडर्न था डायलप वाईफाई नहीं था उस वक्त तो मैं इंटरनेट के चक्कर में मैंने कहा या कुछ और नहीं करना गेमें खेलनी है तो, तो बेहतर है कि यहाँ बैठ के मैं सीख लूँ तो एनी वेज़ वहाँ से जब जर्नी स्टार्ट हुई इन अ ईयर आई गॉट टू नो कि मेरी उस कंपनी में भी ग्रोथ नहीं है और उन्होंने फिर मेरे ऊपर एक कंसल्टेंट लेके आए कि जी कहते हैं जी कि उस्मान साहब ये इनको एस आती है और आपको नहीं आती है उन भाई साहब ने जो मशवरे दिए तो वो बिल्कुल अपोजिट थे जो मेरी फ़िलासफ़ी थी एस कैसे होनी चाहिए गूगल सर्च को कैसे देखता है तो वो मैंने उनको उसी वक्त क्लियर किया कि मैंने कहा ये बिल्कुल फ्लॉप आइडिया है जो आप ले रहे हैं मतलब आपने लेने हैं हाँ आपकी मर्जी है बट स्टिल इट्स नॉट लाइक मुझे लगता है कि गलत है और मैंने उनको प्रूफ किया और देवल लेकिन okay, उसमें तो हमारी हम सैलरी बढ़ा रहे हैं पच्चीस हज़ार कर रहे हैं मतलब पंद्रह पंद्रह से उन्होंने मुझे किया uh, बीस हज़ार तो मैंने उस वक्त ऑलरेडी किसी को अप्लाई कर चुका था और मेरे पास वो कॉन्फिडेंस वो उनको निगेट करने का तभी आया था क्योंकि मुझे आगे पैंतीस की मिल चुकी थी तो मैंने जब पैंतीस के आगे ली उन्होंने मुझे कहा कि जी उस्मान साहब हमने आपकी बढ़ा दिया मैंने कहा सर मैंने उस दिन तो जवाब नहीं दिया मैंने कहा इनका दिल ना टूट दे मतलब कि इनको अभी झटका लग जाएगा मैंने कहा ठीक है सर थैंक यू अगले दिन में गया मैंने रिज़ाइन पुट कर दिया तो उन्होंने कहा उस्मान तुम्हें रिप्लेस करने के लिए हमें दो बंदे चाहिए होंगे मैंने कहा आप मुझे रिप्लेस करने के लिए चार भी लगा दें आप नहीं कर सकते ठीक है सो ये कह के मैं उनको अगली कंपनी में गया इतफाक तो सेकली कंपनी भी वैसी थी <laughs> तो उसमें ज़रा इश्यूज़ ये हो गए कि उन्होंने कहा कि जी हम आपको डायरेक्टर मार्केटिंग लगा रहे हैं और आप जो है ना हमारी एस करेंगे और ये करेंगे मैंने कहा बिल्कुल ठीक है तो हुआ ये कि जब वो उन्होंने शुरू किया उन्होंने कहा जी कि आप एस करें मैंने कहा जी वेबसाइट बनेगी तो एस सी कहते नहीं हम तो ऐसी कर लेते हैं <laughs> 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 हवा में कौन सी एस होती है सो so, ये बात जो थी ना ये उनको बुरी लग गई सो so, वो जो अथॉरिटी कल्चर था उन्होंने कहा कि ये कैसे है लेकिन वहाँ पर एक चीज़ मेरे साथ बड़ी अच्छी हुई वहाँ पर जो मुझे जानते थे ना जो दोस्त बन गए थे जो डेवलपर थे वहाँ भाई साहब एक आए हुए थे तो उनसे मैंने पूछा क्या करते हो ना उन्होंने कहा कि जी यार इतनी फ्रीलांसिंग करते हैं हम कि मैं तंग आ गया हूँ मेरी सोशल लाइफ नहीं रही कोई तो मैं इसलिए जॉब कर रहा हूँ कि मुझे सोशल लाइफ चाहिए आई हाईवे लाइक यार यहाँ पर लोग छोड़ते हैं कि यार जॉब नहीं करनी फ्रीलांसिंग तरफ देखें कहते फ्रीलांसिंग बहुत की अब नहीं कर मुझे वो वो मुझे रोज़ाना धक्का देता था उस्मान तेरा जो कैलिबर है ना तू किधर रोल रहा है मतलब कि यू शुड गो ऑनलाइन तो मुझे लगता था कि ये फेक है या मतलब कि ये फैंटेसी है पता नहीं क्या होता है तो वो मुझे ना उसकी शर्म से मतलब वो मुझे जलील करता था बाकायदा और उसने मुझे पुष्ट किया कि तू बना और मैं हर वीकेंड में ना कोई ना कोई एक कभी प्रोफाइल बना ली कभी उसमें एक टेस्ट दे दिया कभी उसमें मैंने कुछ कर लिया सिर्फ इसलिए कि मैं उसका जवाब दे सकूँ कि हाँ यार मैंने कुछ किया कुछ अपडेट आई है मैंने एक दिन प्रोजेक्ट पे भी अप्लाई कर दिया तकरीबन तो चार महीने में उन्होंने मुझे कहा कि जो है ना सॉरी चार महीने अभी हो रहे थे तो उस दिन अभी मैं वहाँ से स्टेबल काम ले चुका था जिस दिन मुझे पहला डॉलर मैंने कमाया इट लाइक फर्स्ट जॉब जो कि तीन डॉलर पर आ रहा थ्री डॉलर पर आ थी लाइक दिस दिस इज इज़ रियल उस दिन मेरा लाइफ का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया दैट मोमेंट जिस दिन मैंने पहला डॉलर कमाया ना अब तो अपमद उसके बाद से आई वॉज लाइक यार ये दिस इज़ द न्यू रियलिटी और इतनी देर में वहाँ से वो लोग कह रहे थे कि ऐसी करें मैंने कहा मैंने कुछ जब कह चुका था वेबसाइट नहीं है तो कभी किसी को बुलाते थे, थे कंटेंट लिख दें कहते आप कंटेंट भी लिखें मैंने कहा जी मैं राइटर नहीं हूँ तो मैं तो आप मुझे मुझे कहा था कि आप राइटर देंगे एनी वो इन शॉर्ट ये कि उनको लगा कि जी मैं ठीक बंदा नहीं उन्होंने मुझे कहा सुहाँ साहब आप फारेगा मैंने कहा सॉरी सर आप फारे बिकॉज जितना मैं फुल टाइम ले रहा था उससे ज़्यादा मैं घर बैठ के कुछ घंटों में ऑलरेडी कमा रहा था सो so, मैंने उनको छोड़ा मैंने घर वालों को कह दिया बस पीछे पीछे हो जाए मतलब कि तोप आ रही है सो आई वाज लाइक कि मैंने पूरा ऑफिस सेटअप किया अपने घर में एंड दैट वॉज लाइक द स्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ एग्जैक्टली आफ्टर वन ईयर इन द सेम मंथ उसी सी ने बुला के मुझे कहा सुबह आनम से गलती हुई ठीक है क्योंकि कंपनी बंद हो चुकी थी तो जो उन्होंने बंदे रखे वो अल्टीमेटली वो नहीं चला सके सो आई वाज लाइक कि सर अब आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते ठीक है एक साल बाद सो so, ये चीज़ें जो है ना दिस इज़ लाइक के ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई है करते करते मुझे एस के बाद जब मैंने शुरू किया वेरी क्विकली आई गॉट टू नो के एसी यो डजन वर्क लॉन इट्स बेसिकली फुल डिजिटल मीडिया क्योंकि मैं मीडिया के बैकग्राउंड से था तो मैंने देखा कि कम्युनिकेशन मेन स्ट्रीम में कैसे चलती है और कम्युनिकेशन डिजिटल मीडिया में कैसे चलने वाली है बिकॉज मैस कम्युनिकेशन का न्यू फेस है डिजिटल मीडिया तो आप जब मीडिया में टी में कोई खबर जाती है किसी ने देखी नहीं देखी लेकिन जब यूट्यूब पर खबर जाती है तो वो बार बार रिपीट होती है और वो बहुत देर तक रहती है सो इट्स ऑन रेकर्ड तो ये चीज़ रे ये रियलाइजेशन नहीं थी और यही चीज़ मैं करते करते जब मैंने मार्केटिंग प्लस कम्युनिकेशन को मिक्स किया दैट इज हाउ मार्कोम वर्क गॉड सो दैट्स द स्टोरी ऑफ मार्कोम वर्क बिकॉज आई बिलीव कि अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आती आपको मार्केटिंग नहीं आती एंड आपने उस्मान की स्टोरी से यहाँ सीखा होगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट नोइंग टू प्रोग्राम ये आपको जरूरी नहीं कि कोडिंग आती हो इफ़ यू बिलोंग टू अ मीडिया बैकग्राउंड इफ़ यू बिलोंग टू अ लिटरेचर बैकग्राउंड ंग टू सोशल साइंसिस बैकग्राउंड अगर आप अपने घर बैठ के सिर्फ कंप्यूटर ही यूज करना सीख सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जिस तरह उस्मान ने अपनी जिंदगी बदली और अब हम उस्मान से थोड़ा जानना चाहेंगे कि इस जर्नी में वर्ड इन्होंने कहाँ यूज किया और अभी अपने काम में वर्ड को ये किन टास्क के लिए यूज करते हैं बिल्कुल सो so, वर्ड ने तो ही मेरे बेसिकली ब्लॉगिंग से स्टार्ट हुआ था तो वर्ड ने ही लाइफ ली इन अ वे कि मुझे ये पता था कि आई कैन पुट माई मैसेज आउट देयर सो अखबार चलाने का पहला रूल क्या है कि अखबार होना चाहिए ना बिल्कुल तो so, मैंने कहा कि डिजिटल अखबार में चलाऊँगा तो so, मैंने जब डिजिटल अखबार की तरफ गया वो करते करते शौक़ पैदा हुआ लेकिन पता चला खबरें कहाँ से आएँगी लिखेगा कौन उसको मैनेज कौन करेगा तो वो काफ़ी चीज़ें नजर आईं लेकिन इसी जर्नी में लोगों ने मुझे कहा कि मेरा भी चला दो उसने कहा मेरा भी चला दो अपनी लॉन्च करते करते मैं दूसरों के लॉन्च करने लग गया और अपनी रुकती गई <laughs> तो ये सब चीज़ें पॉसिबल तभी हो सकें क्योंकि मुझे वर्ड समझ आ गई थी कैसे इंस्टॉल होता है कैसे चलता है थीम कैसे इंस्टॉल करनी है प्लग कैसे इंस्टॉल करने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने एस सी मुझे मैं पढ़ रहा था सीख रहा था क्योंकि विजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप न्यूज़ लिख लें आप दुनिया की भड़कती हुई न्यूज़ लिखें लेकिन लोग पढ़ेंगे नहीं तो वो न्यूज़ नहीं है ना बिल्कुल न्यूज़ तो तब है जब कोई जानेगा उसको तो वो रीच बहुत ज़रूरी थी तो मैंने एस को भी इंटीग्रेट किया और आई फाउंड के वर्ड इज़ द बेस्ट सोल्यूशन तो वो चीज़ बेस बेस तो वो बनी लेकिन जब हमने वर्ड को देखा कि ब्लॉगिंग से इवॉल्व होकर पूरा सी बन गया मतलब कि हर तरह का कॉन्टेंट डाल रहे हैं फिर ई e कॉमर्स भी आ गई उसके ऊपर तो वर्ड ग्रो करते करते उसके ऊपर मार्केटिंग स्किल्स में ऐड करता गया कि मतलब आपका गोल क्या है आपको बिजनेस है आपको ऑडियंस चाहिए ऑडियंस चाहिए कि आपको डिजिटल प्रेजेंस चाहिए प्रेजेंस के लिए आपको वेबसाइट चाहिए वेबसाइट आप जुमला में बना लेंगे मजेंटो में बना लेंगे प्रॉब्लम ये है कि वो डेवलपर को आप कहेंगे डेवलपर एक लंबा साइकिल चलाएगा उसके पास और बड़े काम है ठीक है कभी उनका कुछ मसला हो जाता है कभी वो सोए हुए होते हैं कभी उनका दिल नहीं कर रहा होता तो वो डिपेंडेंसी आ जाती है अब बीइंग अ मार्केटर ये मुझे बड़ी चीज़ें तंग करती थी तंग इसलिए कि हम मार्केटर्स की जॉब परफॉर्मेंस देखी जाती है कि जी कितना बिज़नेस आ रहा अच्छा अब बिज़नेस तब आएगा जब लोग आएंगे लोग तब आएंगे जब वेबसाइट होगी या पेज होगा बिल्कुल <laughs> सो so, ये चीज़ें इंटरलिंक थी तो मैंने उस डिपेंडेंसी को ख़त्म किया मैंने बहुत जल्दी सीख लिया ख़ुद भी करना वर्डप्रेस को और मैं जब भी वर्डप्रेस डेवलपर से काम करवाता हूँ मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई पेज बिल्डर लगाओ पेज बिल्डर से लगाओ कि आप कल को हैं नहीं हैं आपका कुछ मसला हो गया आप किसी और प्रोजेक्ट में बिज़ी हो गए आपको अब इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा रिजल्ट आपकी वजह से जो है ना शायद चल रहा हो लेकिन रुकना नहीं चाहिए तो ये चीज़ें जब मैंने शुरू की तो हुआ ये कि अल्टीमेटली आई वॉज़ एबल टू पुट माई मैसेज आउट देयर सो मार्केटिंग का रूल नंबर वन क्या है कि आपका मैसेज फ़ौरन चला जाए तो so, मैंने अभी आज रात एक आइडिया आया अभी बैठे बैठे आइडिया आया और अभी एक कैंपेन लॉन्च करनी है कैसे करेंगे जब का डेवलपर आपका सोया होगा अब वो कहेगा जी मैं तो दो दिन बाद आपको करूँगा हमने वर्डप्रेस में आप क्या कर सकते हैं हम फॉरन ऐड वो कैंपेन वो पेज बनाते हैं ऐड चलाते हैं और सुबह तक वो वेबसाइट वो ट्रैफिक भी आ रही होती है सो so ये जो क्विकनेस थी ना ये वर्डप्रेस की वजह से पॉसिबल हुई है और इवन दो कि मैं चूँकि हाफ स्पॉट का कंसल्टेंट भी हूँ आई मैं मार्केटिंग ऑटोमेशन इनबाउंड मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग ये सारे नाम बड़े फैंसी हैं अगर आप वेबसाइट सीख डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे तो आपको समझ आएंगी ये चीज़ें कितनी ब्रॉड हैं और कितनी इसमें इसमें कितना कुछ है सो so मैं आप बेसिकली इन चीज़ की कंसल्टेंसी देता हूँ लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सब चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं एक वेबसाइट के ऊपर और वेबसाइट के लिए सबसे बेहतरीन टूल जो है ना वो वर्ड है और इतना बेहतरीन है कि साथ हाफ स्पॉट का अगर आपको पता है जी मार्केटिंग ऑटोमेशन का सबसे महंगा टूल है बिल्कुल इसको तो दस हज़ार डॉलर कम अज़ कम आपको देने हैं सालाना सिर्फ उसको खरीदने उसको यूज़ करने के उसके ऊपर आपको पाँच हज़ार डॉलर देने हैं उनको सिर्फ ट्रेनिंग के क्योंकि उनकी फ़िलासफ़ी ये है कि अगर आपको चलाना नहीं आएगा ना तो आप फ्लॉप हो जाएंगे सो आपको पंद्रह का वो टूल बाय करना पड़ता है और जब वो मेरे पास क्लाइंट वो पंद्रह हजार का टूल लेकर आता है मैं कहता हूँ इसको साइड पे कर दें वेबसाइट हम इस पर नहीं बनाएंगे हाँ बाकी चीजों के लिए हम यूज करेंगे वेबसाइट हम वर्डप्रेस पे बनाएंगे जबरदस्त सो so, अब वर्ल्ड प्रेस इज एट देंटर ऑफ आवर बिजनेस ठीक है ना तो हम जो भी करते हैं मार्केटिंग सारी चीजें बेस टेक्नोलॉजी के ऊपर करते हैं और टेक्नोलॉजी ने बड़ी आसान कर दी जबरदस्त जिस तरह उस्मान ने कहा कि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ने बड़ी आसान कर दी एंड वर्ड इज एट देंटर ऑफ वर्ट ही डस आई वुड लाइक टू सेलियंटली आस उस्मान के हमें थोड़ा सा बताइएगा कि वर्ड प्रेस के अलावा कौन से टूल्स हैं जो आप डेली यूज करते हैं और जिससे यू आर एबल टू परफॉर्म दैट फंक्शन वेदर एज अ स्मार्ट वर्कर वेदर फील आंसर और एज एन आंट्रप्रोर टूल्स बहुत सारे यूज करता हूँ अगर मैं लिस्ट बनाने लगूँ तो मेरे दस साल में जितने भी जितने सैकड़ों क्लाइंट आए हैं उन सबके अपने अपने टूल्स होते हैं बिल्कुल सो टूल्स को बेसिकली ये कहानी है कि हर एक ना अपने कम्फर्ट जोन में अपनी पसंद की चीज़ें यूज़ करता है सो so, मेरे लिए जो मेन टू टूल्स है ना वो क्रोम ब्राउज़र है ठीक है उसके ऊपर कुछ एक्सटेंशन हैं जो एस से रिलेटेड हैं जो स्पीड से रिलेटेड हैं ठीक है हम चीज़ें करते हैं फिर मैं जी बहुत यूज़ करता हूँ ई मेल्स के लिए फिर मेरे पास एक ई मेल ट्रैकिंग का टूल है जो कि हम आ, क्या कहते हैं जैसे ई मेल ट्रैकिंग सेल्स में बड़ी मुझे हेल्प होती है उसमें किसने ई मेल ओपन की किसने नहीं की इसके अलावा हम हॉट स्पॉट यूज़ करते हैं हम गूगल एनाटिक्स यूज़ करते हैं गूगल के गूगल के जितने भी आप टूल्स जा कर सकते हैं ना या ढूंढ सकते हैं वो सब हम यूज़ करते हैं गूगल वेब मास्टर टूल्स है गूगल एनी थिंग गूगल इज वाट वी लाइक जबरदस्त जबरदस्त गूगल के अलावा फिर और भी बड़ी चीज़ें हैं मतलब वर्ड प्रेस इट सेल्फ इज बिगेस्ट टूल उसके ऊपर प्लग इन्स आ जाते जा हैं ठीक है वर्ड प्लस भी एक इको सिस्टम बन गए तो प्लग इज इट सेल्फ टूल बन गए ठीक है ना अब अब वर्ड प्लस के ऊपर यूज का प्लग इन है उसकी हम कंसल्टिंग देते हैं बाकायदा उसको अगर हम ऑप्टीमाइज़ करें तो कुछ सौ डॉलर हम उसके सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के लेते हैं तो इट से मतलब की हर चीज़ की एक सर्विस बन गई है जबरदस्त और लोग आपको तब प्रोजेक्ट देते हैं या तो वो करना नहीं चाहते उनके पास टाइम नहीं है या उनको करना नहीं आता क्योंकि ये दो रीज़न हैं जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम दोनों में बड़े तेज़ हैं <laughs> इसलिए कि हमें पता है कि यार इसको प्रॉब्लम है इसको सोल्यूशन दे दो और सोल्यूशन क्या है बेसिकली उसको हेल्प कर दो कि भाई आपको ये हम करके दे रहे हैं वो टूल्स की वजह से ज़िंदगी बड़ी आसान है, है उसमें एस के टूल्स भी हैं मार्केटिंग के टूल्स भी हैं इफ यू आस्क मी अ लिस्ट तो मैं बेसिकली बनाने बैठूँगा तो मैं परेशान हो जाऊँगा कि मैं कौन सा नंबर वन पर रखूँ हम नहीं चाहते कि आप वो पूरी लिस्ट बनाएं जो आपने हमें टूल्स बताए हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट बट वन लास्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी क्रूशल हमारी ऑडियंस के लिए हमारे लिसनर्स के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए वट इज़ दैट वन एडवाइस क्योंकि ये ऑनलाइन वर्ल्ड में स्टेप अप कर रहे हैं और ये आपकी तरह वर्ल्ड के सुपर हीरो बनना चाह रहे हैं right. तो आप इन्हें क्या एडवाइस देंगे देखिए मैं अब मेरी जो एडवाइस है ना जो कि मैं अब मैं और भी पढ़ाता हूँ जैसे तैलम्स में वहाँ पर मैं एक ही बात करता हूँ कि फॉलो द ऑडियंस ठीक है आपकी ऑडियंस कहाँ पे उसको फॉलो करें और उसको आसान करने के लिए जो जो हर्डल्स है ना उसको खत्म करते जाए तो so, अगर आप बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं अगर आप वर्ड सीख रहे हैं तो इवन वर्ड बेचने के लिए भी आपको मार्केटिंग चाहिए सो so, आप पहले टेक्नोलॉजी सीखेंगे या स्किल सीखेंगे उसके बाद उसको आप मार्केट करेंगे तो so, मार्केटिंग भी आप सीखें लेकिन साथ फिर आपको और भी बड़ी सॉफ्ट स्किल चाहिए जिससे नगोशिएशन स्किल्स हैं पॉइंट इज़ फॉलो द ऑडियंस ऑडियंस कहाँ पर है वो क्या मांग रही है वो कैसे मांग रही है उसमें क्या कौन कंपीट कर रहा है आपके साथ वो कैसे कैसे बेहतर है आपसे आपने कैसे उसको बेहतर बनना है एक आप फ्रेज़ ले लें ऑडियंस के पीछे जाना है और वहाँ पर आपने बेटर बनना है तो अगर आप ये करते रहेंगे तो अल्टीमेटली यू विल यू नो सरपास एवरी प्रॉब्लम बिकॉज मेरे लिए सबसे बड़ा अगेन प्रॉब्लम यह था कहाँ से करना फिर मैंने अपवर्क देखा उस वक्त ऑर्डर्स था अपवर्क तो था ही नहीं ऑर्डर्स को इलेवस लग था मैंने एलेवन ट्राई किया आई डेंट लाइक इट बाद में मर्ज हो गया मर्ज होके हो उसका नाम अपवर्क बन गया सो so, मैंने भी एक ही काम किया कि मेरी ऑडियंस का है मेरी ऑडियंस गोरे हैं आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई ऑडियंस ठीक है मैंने कुछ अर्सा ये डिशन मांग पाकिस्तान में लॉन्च की थी पाकिस्तानियों के लिए लेकिन मुझे जब यहाँ पर काम करके एहसास हुआ कि ये लोग अभी रेडी नहीं है क्योंकि इनको अगर वर्डपस का नहीं पता है इनको अगर एस का नहीं पता है, तो इनबोर्ड मार्केटिंग तो बहुत दूर की चीज़ है और मैं इनबोर्ड मार्केटिंग कर रहा था तो so, मैं देखता हूँ जो है ना गोरे वो कहाँ पे हैं वो कहाँ पर आपको काम दे रहे हैं वो क्या पसंद कर रहे हैं जब मैं आप ऑडियंस को फॉलो करता हूँ बाकी सारे सवालों के जवाब वो जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कनेक्ट होने लग जाती हैं फिर मैं उनको सोल्यूशन निकालता रहता हूँ जिसमें से एक प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी का था जो कि वर्डप्रेस में ज़बरदस्त सो उस्मान ने जैसे आपको कहा फॉलो दी ऑडियंस जो मैं आपको बार बार हमारे कोर्स में भी लफ्ज़ बताता रहा रहूँ इज अबाउट यूजर्स यूजर्स को देखें यूजर्स को समझें यूजर्स को पहचाने बिकॉज यूजर्स आर एवरीवेयर इस्लामाबाद में भी हैं लंडन में भी हैं यूएस में भी हैं लर्न फ्रॉम ईच अदर लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड डोंट बी अफ्रेड टू फेल एंड लेट्स वर्क टूगेदर टू मेक पाकिस्तान द नंबर वन कंट्री इन द डिशल इकॉनमी